मैं हैरान हो रहा हूं मुख्यमंत्री के बार बार इस तरह के वक्तव्य से। सुबह कहते हैं कि प्रदेश बहुत गंभीर आर्थिक संकट के दौर में से गुजर रहा है और शाम को कहते हैं कि आर्थिक संकट है नहीं, हम जो है हिमाचल प्रदेश में फाइनेंशियल डिसिप्लिन की बात कर रहे हैं। जब अध्यक्ष महोदय जी से पूछा कि हमने 67 नियम 67 के अंतर्गत स्थगन प्रस्ताव दिया था विधानसभा के अंदर क्योंकि कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिली, कर्मचारियों के अलावा पेंशनर्स को पेंशन नहीं मिली, आज सितंबर की 4 तारीख बीत गई है। इस पर मुख्यमंत्री जवाब देने के लिए खड़े हुए, पहले कहने लगे मैं जवाब देना चाह रहा हूं और बाद में कह रहे हैं कि मैं स्टेटमेंट दे रहा हूं। हैरानी इस बात को लेकर के है कि 2 वर्ष का कार्यकाल हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार का होने जा रहा है, अभी भी जो भी जहां इनकी विफलता होती है, नाकामयाबी होती है, वहां दोष पूर्व सरकार को दिया जाता है और केंद्र सरकार को दिया जाता है। आज की तारीख में हम सिर्फ इतना ही जानना चाहते थे मुख्यमंत्री से कि आप तारीख तो तय कर दीजिए कि किस तारीख को, क्योंकि कर्मचारी रोजाना अपने मोबाइल पर मैसेज देख रहा है, पेंशनर पेंशन वो भी मोबाइल पर देख रहा है, मैसेज आया कि नहीं आया, पेंशन आई कि नहीं आई, सैलरी आई कि नहीं आई, तो उसके लिए तारीख निर्धारित कर दो। आज मुख्यमंत्री ने कहा कि हम 5 तारीख तक सैलरी देने की स्थिति में नहीं है। ये स्थिति प्रदेश के सामने स्पष्ट होनी चाहिए। इसका मतलब है हिमाचल प्रदेश का आर्थिक संकट के दौर में से गुजर रहा है, जिसको मुख्यमंत्री स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हैं? विकास के तमाम सारे कार्य बंद कर दिए और जितनी जनहित की योजनाएं थी उन सबको बंद कर दिया, पेंशनर्स और कर्मचारियों को सैलरी और पेंशन देने के लिए। आज की तारीख में इस प्रकार के जो हालात बने, निश्चित रूप से ये चिंता का विषय है।